न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। क्रिकेट खेल में बाउंड्री में गए बाल पर निजी सुरक्षा गार्ड ने चलाई गोली, किशोर को लगी गोली, हालत गंभीर, पीजीआई रेफर। एसएसपी ने कहा बंदूक जब्त, जल्द होगी आरोपी की गिरफ्तारी। प्रदेश के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जिले में संचालित विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बाइक चोरी के अंतर जनपदी गिरोह का कैंट और शाहपुर पुलिस ने किया भंडाफोड़, चोरी की 12 मोटरसाइकिलों के साथ 5 अभियुक्त गिरफ्तार। एसएसपी ने कहा भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में करते थे बाइक चोरी। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई सड़क सुरक्षा संबंधित बैठक, कहा स्कूली वाहनों के चेकिंग के लिए गठित करें विद्यालय परिवहन सुरक्षा समिति। सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में भक्तों की भीड़, मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज, झारखंडी महादेव मंदिर पर भोले शंकर को जलाभिषेक करने की मचकी रही होड़। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को जांचने के लिए रेलवे पुलिस, जीआरपी और सिविल पुलिस की संयुक्त टीम ने किया मॉक ड्रिल, नहीं मिली कोई संदिग्ध वस्तु। सीसीटीवी में कैद मोबाइल चोर युवक हुआ गिरफ्तार, गिरफ्त में आए आरोपी युवक के पास से चोरी का मोबाइल भी हुआ बरामद, खोराबार पुलिस ने भेजा जेल। 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर चढ़ा पुछापुर पुलिस के हत्थे, एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने किया खुलासा। गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्र नेता मिले कुलपति से, सौंपा ज्ञापन, कुलपति ने कहा मामला कोर्ट में विचाराधीन, सकारात्मक आदेश के बिना नहीं कराया जा सकता चुनाव। कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा लोगों में सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए एसएसपी ने बख्शीपुर से घंटा घर तक किया यात्रा पैदल गश्त, लोगों से हेलमेट पहनने की अपील, कहा ट्रैफिक नियमों का करें पालन ताकि आपकी जिंदगी रहे सलामत। शिव का एक भक्त ऐसा भी, अल्पसंख्यक समुदाय के भक्त शहाबुद्दीन ने चढ़ाया भगवान शिव को जल, भगवान शंकर के मुस्लिम भक्त ने जल चढ़ाकर दी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल। एसएसपी की अध्यक्षता में संपन्न हुई क्राइम ब्रांच की समीक्षा बैठक, विवेचनाओं को गुणवत्ता पूर्वक समय से पूरा करने के दिए निर्देश। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों ने केले में होने वाली पनामा विल्ट नामक महामारी बीमारी को किया नियंत्रित, गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में नई दिशा देने में जुटा केले की खेती को। जिला उद्यानिक मिशन के 2 दिवसीय सेमिनार का परियोजना निदेशक ने किया उद्घाटन, कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को दी आमदनी दुगनी करने की जानकारी। बालिका सुरक्षा अभियान के तहत एसएसपी ने छात्राओं का लगाया क्लास, दी पुलिसिंग की जानकारी, कहा किसी भी घटना से निपटने के लिए करें हैं डायल 100 या 1090 पर फोन, पुलिस होगी आपके पास। स्काउट और गाइड का मंडली बैठक का हुआ आयोजन, स्काउट गाइडिंग की गतिविधियों को सफलतापूर्वक संचालित करने का दिया गया निर्देश। यूपी पुलिस की डायल 100 की गाड़ियों का सोमवार को भी एसएसपी ने किया चेकिंग, कहा जनता से बनाए बेहतर संवाद, करें क्राइम कंट्रोल। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन अपनी मांगों को लेकर बैठे धरने पर, मुख्य अभियंता पर लगाया सहयोग न करने का आरोप। और सावन के पहले सोमवार पर बाबा मुंजेश्वर नाथ शिव मंदिर में जल चढ़ाने को लेकर भक्तों का लगा रहा तांता, मंदिर में पुजारी संजय गिरी ने कहा मुंजेश्वर नाथ मंदिर में पूरी होती है भक्तों की मुरादें।